जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बहुत ही शानदार कलरफुल और हेल्दी पोहा बना रहे हैं और साथ ही साथ इस पोहे को हम इतना टेस्टी बनाएंगे जिससे कि इसे बच्चे भी पसंद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही शानदार रेसिपी, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सॉस पैन ले लेंगे, कोई भी यूटेंसिल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और हमने इस सॉस पैन में डालनी है सब्जियाँ, तो सॉस पैन में मैंने ऑयल पानी कुछ भी नहीं डाला है। सबसे पहले मैं सब्जियाँ डाल रही हूँ, गैस जो है वो अभी ऑफ है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डालना है गाजर, 2 से 3 गाजर को इस तरह छोटे पीसेस में हमने कट करके लेना है। साथ ही साथ 1/3 कप के करीब हम मटर डालेंगे, आप मटर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर हम डालेंगे मूली, मूली के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मूली के अंदर कैल्शियम होता है, तो ये बहुत ही हेल्दी वर्जन हम बना रहे हैं पोहे का, तो मूली भी हम इसमें डालेंगे। तो मूली को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में हमने कट करके लेना है। फ्रेंड्स, जो सेम होती है, सेम के अंदर के जो बीजे होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। इन बीजों के अंदर हाई प्रोटीन होता है और हम हेल्दी पोहा बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम डालेंगे ये सेम के बीज। तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 सेलेक्टेड सब्जियाँ ली हैं। गाजर के अंदर विटामिन ए होता है, मटर और सेम के बीज के अंदर प्रोटीन होता है, मूली के अंदर जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। साथ ही साथ यहाँ हम डाल देंगे नमक और साथ ही साथ हम यहाँ डालेंगे थोड़ी सी शुगर, लगभग 1/2 छोटा चम्मच शुगर। सब्जियों का टेस्ट को एनहांस करने के लिए हम शुगर डाल रहे हैं। और साथ ही साथ 1/4 कप के करीब हम यहाँ पे डालेंगे पानी, पानी इससे कम नहीं डालना, पानी इससे ज़्यादा भी नहीं डालना, इतना पानी आपने डालना है, इतना सफिशियंट है। मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, लो फ्लेम ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, मीडियम भी नहीं रखेंगे। और 5 मिनट बाद ये देखिए फ्रेंड्स कितनी कलरफुल हमारी सब्जियां लग रही हैं, बहुत ही शानदार। मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जियां सॉफ्ट हुई या नहीं। तो ये देखिए हमने इतना सॉफ्ट करना है, गाजर सॉफ्ट हो गई है, मटर भी मैश हो रही है, तो हमारी सब्जियां जो है वो एकदम रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन सारी सब्जियों को हम निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसे हम अलग कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ही निकलेगा और वो हमारी यूज़ का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ रेडी हैं, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप डाल सकते हो, आप इसमें गोभी भी डाल सकते हो, मैंने स्किप कर दिया है। तो अब हम चलते हैं पोहा बनाने के प्रोसेस में। और पोहा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ऑयल, ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना, लगभग 2 चम्मच हमने ऑयल डालना है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 छोटा चम्मच राई, साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे सौंफ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स। मिक्स करेंगे, साथ ही साथ यहाँ हम डालेंगे हरी मिर्च। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच से भी कम हल्दी डालेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। और पोहे को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे नींबू का रस, तो 2 चम्मच नींबू का रस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसे। जब आप नींबू का रस डालें तो इतना ध्यान रखें कि फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो, ठीक है। और नींबू का रस आपने तभी डालना है जब राई जो है वो अच्छी तरह से चटक जाती है, ठीक है। मिक्स कर देंगे इसे। और अब बारी आती है पोहा डालने की। तो पोहा जो है वो मैंने भिगो के रख लिया था। पोहे के लिए आपने सिंपली क्या करना है, पोहे को अच्छी तरह से वॉश करना है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रखना है, ताकि पोहा जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए, ठीक है। तो पोहा मैंने यहाँ पे डाल दिया है, साथ ही साथ मैं यहाँ डाल दूंगी नमक, साथ ही साथ यहाँ हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब शुगर। साथ ही साथ यहाँ हम डाल देंगे टमाटर। और साथ ही साथ ये जो हमारी वेजिटेबल्स है ना, गाजर, मटर, मूली और सेम के बीज, तो ये सारी की सारी सब्जियाँ हम इसके अंदर डालेंगे। वाओ, बहुत ही शानदार। अब बस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
टमाटर आप डालो तो आपने क्या करना है, टमाटर के अंदर का जो पार्ट होता है ना वो आपने निकालना है, सिर्फ टमाटर को कट करना है। यदि आप वो कट नहीं करोगे अंदर का मटेरियल टमाटर का, तो पोहा जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इस तरह ढक के पका लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। बहुत ही शानदार हेल्दी रेसिपी, हेल्दी है, टेस्टी है और रियली सबको पसंद आएगी फ्रेंड्स, इस बात की मेरी गारंटी भी है। तो इसके अंदर हमने मूली डाली है, गाजर डाली है, मटर डाली है, सेम के बीज है, आप चाहो तो इसके अंदर गोभी डाल सकते हो और अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हो। और साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे धनिया और इसमें हम डाल देंगे अनार। बस अब हमारा पोहा जो है वो रेडी है। गैस को करेंगे बंद और पोहे को आप सर्व कर दीजिए और फिर पाइए अपनी तारीफ। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और टेस्टी रेसिपी है, तो एक बार बनाइएगा ज़रूर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिक्स वेजिटेबल पोहे को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार और यम्मी रेसिपी है। तो मिलते हो मैं ऐसी ही शानदार शानदार रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई एम शिवानी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।